नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। नवा बाजार के पूर्व थाना प्रभारी एसआई लालजी यादव की आत्महत्या को लेकर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने की प्रेस वार्ता। मामले की पूरी जांच एडीजी रैंक के पदाधिकारी से कराने की मांग पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने कहा कि पूरी पुलिस की सिस्टम भ्रष्टाचार से लिप्त है। पूरी तरह से ईमानदार पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित कर दिया जा रहा है, जिसके चलते लालजी यादव ने आत्महत्या की है। इसकी जांच एडीजी रैंक के पदाधिकारी से जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं। लालजी यादव ने अपने ही थाना में फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। यह बहुत ही संगीन मामला है। यह पुलिस पदाधिकारियों का, पुलिस बल का और हमारे राज्य के नवयुवकों का मनोबल तोड़ने वाला मामला है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है, पढ़ लिख करके कंपटीशन की तैयारी करता है और उसके बाद पुलिस बल में अधिकारी के रूप में सेलेक्ट हो रहा है और इसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल नौकरी करने के बाद वह पुलिस फोर्सेस का दबाव नहीं झेल पा रहा है और सुसाइड कर रहा है। क्या कारण है? जिस तरह सुसाइड हुआ और जिस तरह जनसमर्थन उमड़ा, उससे यही लगा कि उस व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं सिस्टम ने अन्याय किया। और वह अन्याय क्या है, ये पूरे लोग जान रहे हैं कि पुलिस सिस्टम में सिस्टमेटाइज करप्शन है, ऊपर से लेकर के नीचे तक करप्शन सिस्टम का रूप ले रखा है, जिससे वो व्यक्ति नहीं लड़ पाया, उसने अपना जान दे दिया। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं, हमने उनको पत्र भी लिखा है कि इस मामले में एडीजी रैंक किसी कड़े पदाधिकारी से इसकी जांच करा ली जाए ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। कौन लोग दोषी हैं? सिविल पदाधिकारी दोषी हैं, पुलिस पदाधिकारी दोषी हैं, कौन दोषी है, और जो दोषी है उसको सजा मिले, सिस्टमेटाइज करप्शन को रोके माननीय मुख्यमंत्री जी, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह मामला बहुत ही चिंतनीय मामला है, राज्य के भविष्य के साथ जुड़ा है, राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा है, राज्य के पुलिस बल और पदाधिकारियों के मनोबल से जुड़ा हुआ मामला है। अतः हमारी ऐसी मांग। प्रवक्ता संघ के अध्यक्ष के हैसियत से नवा बाजार के थाना प्रभारी लालजी यादव को छोटी सी गलती के चलते पलामू के पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबन करना और फिर थाना प्रभारी द्वारा सुसाइड करने की बात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मांग करना चाहता हूं हेमंत सरकार से कि ऐसे पलामू का जो पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा जी हैं, पुलिस कार्य का कम कर रहे हैं, राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं पलामू एक उर्वरा धरती है, संघर्षों की धरती है और जिस प्रकार से थाना प्रभारी ने सुसाइड करने का काम किया है, इसका दोषीदार पलामू के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा जी हैं और यहाँ के DTO हैं। कोई भी पदाधिकारी को आप निलंबन करने से पहले उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। वैसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ 4 दिन के बाद यह सुसाइड का ही मामला नहीं है, बल्कि मैं मांग करना चाहता हूँ यहाँ के DGP से इसकी आप त्वरित कार्रवाई करें और इसकी जो पोस्टमार्टम हुआ है, यह मैं समझता हूं कि डॉक्टरों का टीम गठित करके रांची रिम्स में होना चाहिए था और न्यायिक पदाधिकारी से इसको जांच हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।